गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल गेम विद ज्योति। तो मैं हूँ ज्योति और मैं यहाँ पर पोस्ट करती हूँ मेकअप ब्यूटी फैशन लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल गेम विद ज्योति, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ साड़ी रियूज आउटफिट। तो यहाँ पर मैंने कुछ साड़ियों को रियूज करके उनके आउटफिट बनाए हुए हैं। एंड अगर आपको इनमें से कोई भी आउटफिट पसंद आता है, आपके पास कोई ऐसी साड़ी है जिसका आप ऐसा कुछ बनवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। ID जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी आज की जो साड़ियाँ हैं ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट हैं, जॉर्जेट वगैरह की साड़ियाँ नहीं है ये। तो सबसे पहले जो है वो है ये बहुत ही प्यारी सी ये साड़ी जो थी ना, ये चंदेरी की थी एंड पूरी साड़ी बिल्कुल ऐसी प्रिंटेड थी एंड वहाँ पर सिर्फ ये सैटन का जो है बॉर्डर लगा हुआ था पूरी साड़ी में एंड बाकी पूरी साड़ी प्लेन थी। तो जैसा कि मैं आपको फोटो साइड में दिखा दूँगी, तो उस साड़ी में से मैंने निकाली हुई है एक जैकेट। तो यहाँ पर मैंने ऐसे पूरी साड़ी नहीं यूज़ की हुई है, थोड़ी ही यूज़ की हुई है, बाकी की साड़ी मैं किसी और फैब्रिक में यूज़ कर लूँगी, किसी और फैब्रिक या फिर किसी और ड्रेस के साथ में। तो यहाँ पर मैंने साड़ी से बनाया ये जैकेट एंड सैटन का जो इसमें बॉर्डर दिया था ना, उस बॉर्डर को मैंने यहाँ पर लगा दिया एंड इधर साइड में भी यहाँ पर लगा दिया एंड इसके साथ मैंने एक पिंक कलर की लेस अटैच कर दी इसको फिनिशिंग देने के लिए एंड ओपन स्लिट मैंने ये जैकेट बनाई है। साइड बैक में मैंने सिंपल राउंड नेक रखा हुआ है एंड इसके साथ में मैंने बनाया हुआ है नीचे के साइड में ये बॉर्डर। तो ये बॉर्डर मैंने बनाया हुआ है एज इट इज़, साड़ी का जो बॉर्डर था बिल्कुल उसे ही रखा हुआ है और जैसे स्लीव्स में मैंने लगाया था एंड जो यहाँ पर लगाया है ये मैंने थोड़ा सा आधा बॉर्डर लेके लगाया हुआ है, पतला सा, मुझे बहुत चौड़ा नहीं लगाना था। तो यहाँ पर मैंने पूरा बॉर्डर लगाया है एंड यहाँ पर लेस यूज़ कर दी है। अंदर से मैंने एक पिंक कलर का फैब्रिक लगाया हुआ है जो कि मेरी लेस से मैचिंग करता हुआ फैब्रिक था एंड इसके साथ में मैंने पैंट जो रखी है वो सेम कलर में रखी है, इसके लिए मैंने इसका फैब्रिक यहाँ पर यूज़ किया हुआ है अंदर से इसको फिनिशिंग देने के लिए। एंड इसके साथ में मैंने बनाया हुआ है ये इनर। तो ये मैंने सिंपल कॉटन का कपड़ा लेके इसको बनाया हुआ है जिसके ऊपर से मुझे ये जैकेट पहनने के लिए मैंने बनाई हुई है। तो यहाँ पर आगे राउंड नेक है, बैक में राउंड नेक दिया हुआ है, एक कुर्ती स्टाइल में इसको मैंने बनाया हुआ है जिस तरीके से आप देख पा रहे हो। तो ये मेरा जो फर्स्ट आउटफिट था ये है। अगर आपके पास कोई ऐसी चंदेरी वगैरह की साड़ी रखी हो ना, तो आप उसे इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हो, उसकी जैकेट बनवा लो एंड बाकी की जो साड़ी बच रही ना, आप चाहो तो फिर उसमें अनारकली जो जैकेट होती है ना वैसी बनवा सकते हो, या फिर लेयर्ड वाली बहुत ज़्यादा घेरे वाली जो जैकेट होती है वैसे भी बनवा सकते हो। अगर आपको सिंपल बनवानी है तो आप ऐसी जैकेट बनवा लो एंड बाकी जो फैब्रिक बचेगा उसकी आप कुर्ती वगैरह बनवा सकते हो या फिर कोई ड्रेस बनवा सकते हो या फिर आप उसमें प्लाजो या फिर पैंट, सेम पैंट भी आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको कॉट सेट बनाना है तो आप सेम फैब्रिक की पैंट भी बना लो। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए था, मुझे आउटफिट ऐसा नहीं लगने देना चाहिए था कि ये साड़ी से बना हुआ है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते थे ना कि उनके ड्रेसेस जो होते हैं वो बने हुए होते हैं, लगते हैं साड़ी के बने हुए हैं। तो मैंने कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की जिससे आपकी ड्रेस लगे ना कि वो साड़ी की बनी हुई है। तो ये मेरी फर्स्ट आउटफिट था। सेकेंड जो है वो है एक कोटा डोरिया की साड़ी थी जो कि कुछ इस तरीके से, जिसमें रेड कलर का बॉर्डर था एंड बाकी साड़ी से लाइट पिंक कलर की थी एंड इसमें फॉइल प्रिंट हुआ था। तो यहाँ पर मैंने इस साड़ी से इसका बॉर्डर जो था, बॉर्डर को मैंने यहाँ बीच से जोड़ के ना एक योग बना दिया एंड इसको एक लेस गोटा पट्टे की लेस थी उससे मैंने इसकी फिनिशिंग कर दी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोनों साइड में आपको ऐसे फिनिशिंग मिल जाएगी। आगे की साइड में मैंने यहाँ पर वी नेक दिया हुआ है, बैक में सिंपल राउंड नेक दिया हुआ है एंड इसकी लेंथ मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, नी लेंथ तक ही रखी हुई है, आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं रखी है क्योंकि मुझे इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं चाहिए थी। नीचे के साइड में सेम मैंने बॉर्डर रखा हुआ है, सेम बॉर्डर मैंने यहाँ पर इसकी स्लीव्स में भी अटैच कर दिया है। तो इस तरीके की जो साड़ियाँ होती है ना बहुत ही प्रिटी लगती है। आपको ऐसे पूजा वगैरह के लिए कुछ ड्रेस बनवानी हो या फिर थोड़ा शादी वगैरह में पहनने के लिए ड्रेस बनवानी हो ना, तो भी आप बनवा सकते हो। तो ये जो ड्रेसेस होती है इनमें आप एक चीज़ और कर सकते हो कि ऐसी साड़ियों की आप अनारकली भी बनवा सकते हो, बहुत ही अमेजिंग लगेंगे। पूरे अनारकली में ना ऐसे ही बॉर्डर बनवा लो एंड इसके साथ में ना मैंने दिया हुआ है ये कॉटन का अस्तर।
तो ये कॉटन मैंने थिक वाला कॉटन लिया है, क्योंकि कोटा डोरिया का जो फैब्रिक होता है ना बहुत ज़्यादा हल्का होता है, तो इसमें आप अच्छी क्वालिटी की जो लाइनिंग है ना वो लगवाएं, नहीं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने मोटा कॉटन लिया था, तो इसके लिए मैंने जो कॉटन का अस्तर लिया था वो मैंने 1.5 मीटर लिया था, क्योंकि स्लीव्स में मुझे लगाना नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर अस्तर यूज़ किया हुआ है। बाकी ये कुर्ती बनाई हुई, तो इसको मैंने रेड पैंट के साथ पहनने के लिए बनाया हुआ है। आप इसमें नारकली भी बनवा सकते हो, कुर्ती भी बनवा सकते हो, या फिर कोई ड्रेस भी बनवा सकते हो अगर आपके पास ऐसी साड़ी है, क्योंकि साड़ियाँ ना बहुत अच्छी लगती हैं और दिखने में, और लगती भी नहीं है कि साड़ी से बना हुआ कोई ड्रेस है, तो इसका लुक जो है ना वो कुछ इस तरीके का है। इसके बाद थर्ड जो है वो मैंने बनाया हुआ है एक लहंगा। तो वो जो साड़ी थी ना वो सैटन की थी एंड काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, तो वो थी साड़ी ये जो कि पूरी ग्रे कलर की है, जिसमें ना येलो गोल्डन जो होता है उससे इसमें प्रिंट्स बने हुए हैं। ये वुवन प्रिंट्स हैं, सेल्फ प्रिंट है, तो ये कुछ इस तरीके से है, आप देख पा रहे हो। तो साड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी थी एंड उसका फैब्रिक ना बहुत ही अमेजिंग था, पूरी शाइन थी। तो आपके पास अगर ऐसा कोई पुराना फैब्रिक रखा हो ना तो आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हो लहंगे वगैरह में, बहुत ही प्रिटी लगेगा। तो यहाँ पर ना मैंने जो बनाया हुआ है, ये मैंने बनाया हुआ है 16 कली का लहंगा बनाया हुआ है, तो इसमें पूरा फ्लेयर बहुत ज़्यादा आया है। तो पूरा जो फ्लेयर आया है ना वो टोटल 7 मीटर का फ्लेयर आया है, तो इसमें मैंने पूरी साड़ी यूज़ कर दी है। तो ये कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हो। साइड में मैं ना इसकी वीडियो लगा दूंगी, क्योंकि ये लहंगा इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि कैमरे में पूरा आ नहीं पा रहा है, तो मैं इसकी वीडियो लगा दूंगी, तो आप देख पाओगी कि ये लहंगा कैसा दिख रहा है। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा घेरा है, तो ये मेरी क्लाइंट की थी, तो उनके पास ना ये साड़ी का जो ब्लाउज था वो उनके पास ऑलरेडी है, तो वो इस लहंगे के साथ में साड़ी का ही ब्लाउज पहनना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने इसमें से कोई ब्लाउज वगैरह नहीं बनवाया है। एंड इसका पल्लू का पोर्शन बच गया था, तो वो मैं कहीं और यूज़ कर लूँगी। अभी उन्होंने बोला है कि मतलब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की, उन्हें सिर्फ एक लहंगा चाहिए था इस साड़ी से, जो कि मैंने ये पूरा 16 कलियों में बना के दिया। बहुत अच्छा फ्लेयर है। नीचे के साइड में मैंने इसका बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पर यूज़ किया हुआ है 2 लेसेस का, तो एक तो मैंने थोड़ा सा मिरर वाली यूज़ की हुई है एंड दूसरी मैंने एक सिंपल पतली गोल्डन, एंड बीच में मैंने इसकी साड़ी का जो बॉर्डर निकला हुआ था ना वो यूज़ कर दिया, जिससे कि लगे कि ये बिल्कुल एक जैसा ही है, क्योंकि अगर उसे गोल्डन गोल्डन बॉर्डर बहुत सारा लगा देना तो वो थोड़ा सा अजीब सा ही लगने लगता है और थोड़ा मैच भी नहीं कर पाता है, और इससे अगर एक बॉर्डर लगाते तो काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है। तो अगर आपकी साड़ी का जो बॉर्डर है ना वो अच्छी कंडीशन में है तो आप उसे लहंगे में यूज़ करवा सकते हो। डिपेंड करता है ना कि बॉर्डर कभी कभी ख़राब हो जाता है, अगर साड़ी बहुत ज़्यादा पहनी गई होती है तो प्लीट्स के एरिया में उसका बॉर्डर बिल्कुल घिस जाता है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है, तो आप एक बार चेक कर लो ना कि आपका बॉर्डर कैसा है, तभी आप उसे यूज़ करवाओ। तो यहाँ पर मैंने 7 मीटर की लेस यूज़ की हुई है, ये दोनों कुछ इस तरीके से। अंदर के साइड में मैंने एक जो मैंने अस्तर लगाया था सेम वैसा ही सैंटून का कपड़ा है, वो मैंने यहाँ पर लगा के इसकी फिनिशिंग दी है, जिससे थोड़ा सा बॉर्डर में हैवी होता है ना तो अच्छा लगता है एंड अंदर से फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आ जाती है। एंड इसके बाद ना मैंने इस पर 3 लेयर कर रखे हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक तो हमारा ये मेन लेयर हो जाता है, दूसरा ये है इसके नीचे मैंने लगाई हुई है, तो इसमें भी मैंने टोटल 4 मीटर कपड़ा यूज़ किया हुआ है। इसके नीचे मैंने यहाँ पर ये केनकेन लगाई हुई है ताकि इसका फ्लेयर जो है वो काफ़ी अच्छा दिखे। उसके नीचे भी मैंने 1 लेयर अस्तर की और लगाई हुई है, तो इन दोनों अस्तर के लिए मैंने 4-4 मीटर फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, बीच में मैंने केनकेन को डाला हुआ है, तो इससे इसका फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। आप डिपेंड करता है ना कि आप कितना ज़्यादा फ्लेयर देना चाहते हो उतना ही अस्तर लगाओ, क्योंकि जितना फ्लेयर हम देते हैं हमारी कॉस्टिंग भी उतनी ज़्यादा ही बढ़ जाती है, क्योंकि फैब्रिक हमें उतना ज़्यादा लेना पड़ता है। तो डिपेंड करता है घेरे पे कि आपका लहंगे का जो घेरे है कितना ज़्यादा है। लहंगा तभी अच्छा लगता है जब उसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा हो, तो मतलब उस लहंगे का तो लुक ही अलग हो जाता है, भले उसमें काम कम हो पर अगर फ्लेयर बहुत होता है ना तो एक अलग सा ही ग्रेस आ जाता है लहंगे में। और बहुत ज़्यादा काम होता है पर फ्लेयर ही नहीं होता है तो लहंगा उतना मज़ा ही नहीं आता पहनने में, मुझे तो नहीं आता, और सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, पर मुझे लहंगे में बहुत ज़्यादा फ्लेयर ही अच्छा लगता है। तो मैं जब भी कोई लहंगा बनाती भी हूँ तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेयर ऐड करती हूँ, जिससे लहंगे की कॉस्टिंग तो बढ़ ही जाती है। एंड अभी ना मैंने रिसेंटली अपने स्टोर पे भी काफ़ी सारे लहंगों की फ़ोटोज़ अपलोड की हुई हैं, तो अगर आप उनमें से कुछ भी लेना चाहते हो तो आप मुझे DM भी कर सकते हो, कस्टमाइज़ करवाना चाहते हो तो भी कर सकते हो। एंड इसके साथ ही ना मैंने एक और ड्रेस बनाई हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ में शेयर कर दूँ। तो ये ड्रेस भी अगर आप साड़ी से बनाना चाहो तो बना सकते हो, इसके लिए मैंने इसको इसमें रखा है, ये साड़ी से बनी हुई नहीं है, इसको मैंने अलग से फैब्रिक लिया हुआ है, तो इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास साड़ी हो तो आप बना सकते हो, तो ये प्रिंटेड साड़ी या फिर वर्क वाली साड़ियों से भी बन सकता है। तो ये है ब्लैक कलर की ड्रेस है, तो ऊपर की साइड में मैंने यहाँ पर प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है एंड यहाँ पर मैंने एम्पायर कट में इसको बनाया हुआ है,
यहाँ पर एक ब्लैक लेस मैंने यूज कर दी है। यहाँ पर गैदर की जगह मैंने प्लीट्स डाले हुए हैं, आप गैदर भी करवा सकते हो। पीछे की साइड में बिल्कुल प्लेन स्ट्रेट ही है, सिंपल आगे वी नेक है, पीछे सिंपल राउंड नेक है। स्लीव्स मैंने थ्रीपोर्ट रखी है एंड स्लीव्स पे भी यहाँ पर मैंने ब्लैक लेस यूज कर दी है। तो अगर आपके पास प्रिंटेड साड़ी है ना, तो आप प्रिंट वाला या फिर एम्ब्रॉयडरी वाला जो पोर्शन है आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। बाकी उसका जो प्लेन पोर्शन होता है ना, जैसे आगे के साइड में थोड़ा सा निकलता है या फिर ऊपर की साइड में भी प्लेन वाला पोर्शन होता है, वो पोर्शन आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, और पल्ले वाला जो होता है वो यहाँ पर यूज कर लो। एंड इसके साथ में मैंने बनाई हुई है ये पैंट, तो ये मैंने प्लाजो पैंट बनाई हुई है जिस तरीके से, तो इसमें मैंने पूरा प्रिंटेड दिया हुआ है। बट आप अगर वर्क वाली साड़ी है तो आप जो प्रिंट वाला एरिया होता है ना, जो ऊपर खाली होता है नीचे एम्ब्रॉयडरी होती है, उससे पैंट बना सकते हो, क्योंकि इतना लंबा तो ये कुर्ती होती ही है कि आपका बाकी पोर्शन तो ढक जाएगा जहाँ पर काम नहीं होगा, जहाँ काम होगा सिर्फ वही दिखेगा। और अगर प्रिंटेड साड़ी से बना रहे हो तो आराम से आप इसको बना सकते हो, तब तो कोई इशू ही नहीं है, तब आपको अलग से ये प्लेन वाला फैब्रिक के लिए कपड़ा लेना पड़ेगा। अगर आप एम्ब्रॉयडरी वाले से बनाएंगे ना, तो आपका एक अलग सा पार्टी वेयर अच्छा सा लुक भी क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आप साड़ी से ही दो ट्राई करना चाहते हो तो ये सेट भी आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप कपड़ा लेके बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। तो मैंने इसके लिए 2.5 मीटर ये फैब्रिक लिया हुआ था एंड 1.5 मीटर ये फैब्रिक लिया हुआ था, इसमें मेरा ये पूरा बन गया है। तो अगर आप फैब्रिक लेके बनाना चाहते हो तो बना सकते। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।